हमारा काम था एक अच्छी पिक्चर बनाने का, वो हमने किया है। अब ये लोग राजनीति में है, राजनीति करेंगे, वही उनका काम है। पिक्चर में 126 कैरेक्टर्स है और बहुत सरप्राइजेस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म, आई एम नॉट नर्वस ऑफ द फिल्म एट ऑल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। 2014 में एक किताब आई थी जिसके तथ्यों ने सबको चौंका दिया था, हैरान कर दिया था। कई दिनों तक वो किताब चर्चा में रही थी। अब 2019 में उस किताब पर ही बेस्ड एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसके ट्रेलर रिलीज से ही धमाल मच चुका है, हर जगह उसी की चर्चा की जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, जिसे खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने लिखी है। और इस फिल्म पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ है खुद संजय बारू का किरदार निभा रहे अक्षय खन्ना और फिल्म के डायरेक्टर विजय गुत्ते। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत न्यूज़ हिंदी में। पहला सवाल मेरा अक्षय आपसे ये है, व्हाई यू हैव चोजन दिस फिल्म? क्या आपके मन में कोई एप्रिहेंशंस रहे इस फिल्म को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर पिक्चर है और एक बहुत ही अनोखी और यूनिक और खूबसूरत कहानी है। और मेरा जो किरदार है, जो मयंक और विजय ने लिखा है मेरे लिए, उसको वो शायद मेरे पूरे करियर में सबसे अच्छा और वेल रिटन अगर रोल है तो ये है संजय बारू का। जी, हमने देखा है ट्रेलर में आप जो है कैमरे से बात करते हो नजर आ रहे हो, मुझे लगता है बहुत ये पहली बार आप ऐसा करने वाले हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़ा बिगिनिंग में थोड़ा नर्वस था मैं, पर जब हम मतलब 2-3-4 बार हमने फोर्थ वॉल ब्रेक किया तब मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगा। लेकिन बहुत सिर्फ फोर्थ वॉल ब्रेकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द वे द डायरेक्टर यूजेस द फोर्थ वॉल, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने कहीं पढ़ रही थी कि आपने ये बोला है विजय गुत्ते के बारे में कि 22 साल के आपके करियर में ये पहली बार हुआ है कि किसी डायरेक्टर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, आई मीन अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा। जी, ऐसा सिर्फ मेरा नहीं मानना है, विजय एक बहुत बड़ा फैन रहा है कई सालों से मनोज कुमार का। तो जब उनका प्रोमो रेडी हो गया विजय का, तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि मेरे को बस 5 मिनट का टाइम दिला दो मनोज जी का। तो वो दोनों साथ में गए उनके घर उनको दिखाने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उन्होंने विजय को बोला कि अक्षय को फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने मुझसे भी बात की, और क्या बात की उन्होंने कि अक्षय बहुत टाइम के बाद ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके डायरेक्टर ने आपको बहुत खूबसूरती से हैंडल किया। और हिमालय पुत्र का था उन्होंने पहले, और हिमालय पुत्र कैसे हो? पहले तो मैं आपको बधाइयां देना चाहूंगी, आप बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से। थैंक यू। लेकिन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि जब भी कोई डायरेक्टर डेब्यू करता है तो ही यू नो ही वांट्स टू चूज अ वेरी लाइट सॉफ्ट स्टोरी, आई थिंक यू विल एग्री विद मी। यही तो है, बहुत लाइट और सॉफ्ट स्टोरी। नहीं, बट ये बात है कि why this movie, I mean are you aware of this कि आपके इस फिल्म के बाद काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज, मैं नहीं कहूँगी लेकिन हाँ चर्चा का विषय रहेगा, डिबेट्स रहेंगी, were you aware? दूसरा, are you worried or nervous? Because हम लोग जो है एक political vibrant country में रहते हैं, but we are talking about it, are you even nervous about it? No, not at all. Now, maybe initially when starting, like 7-8 days back, it started, the opposition and everything by a lot of people, a little bit of nervousness was definitely there. But then I went back to when I started the film, the kind of thoughts I had during that time, because I also said I don't want to make this film because political film hai, main entertaining nahi bana paunga, commercial nahi bana paunga. इसमें ह्यूमर नहीं डाल पाऊंगा। आई हैड दिस व्यूज, दिस परसेप्शन। सवाल इसमें मेरा होता है कि कितना चैलेंजिंग था एक नॉन फिक्शन को आपको एंटरटेनिंग बनाने में, थोड़ा क्योंकि आप इसमें ह्यूमरस कुछ ऐड नहीं कर पाए होंगे, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था ये? नहीं मैडम, यही आप सभी लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि ये एक फिल्म है पॉलिटिकल बैकड्रॉप के साथ एक रिलेशनशिप की। सो ये आप 90% इसमें रिलेशनशिप है, 10% पॉलिटिकल बैकड्रॉप है। Relationship between Sanjay Baru and Manmohan Singh. This is the story of my film. When I wanted to make this film, मेरे दिमाग में बहुत clear था। मैंने producer को भी कहा था कि मैं इसको कोई political film की तरह treat ही नहीं करने वाला हूँ। मुझे जो बनाना था, वो एक humorous film थी, वो एक slice of life kind of film थी, एक emotional film थी। और मेरे producer ने मुझे 100% ये right दिया कि आप अपना take दीजिए। So मैंने कोई politically इसमें कुछ सोचा ही नहीं है, मैंने इन दोनों की relationship based film बनाई है, बड़ी मज़ेदार film बनाई है।
पहली बार ऐसा हो रहा है मुझे लगता है कि ऐसे किसी फिल्म में, पॉलिटिकल स्पेशली फिल्म में, नाम, रियल नेम्स यू हैव यूज्ड इन द फिल्म, ये कैसा था? ये मैम, ये एक बुक के ऊपर बेस्ड थी, और बुक में जो नाम यूज़ किए हुए हैं, हमारे ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमको वही नाम यूज़ करना है। तो हमने एग्जैक्टली बुक को फॉलो किया। बहुत टफ था एक बुक को स्क्रीन प्ले में, एंटरटेनिंग स्क्रीन प्ले या मज़ेदार मूवी में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये कोई भी जब किताब को कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें फिक्शन डालने की आज़ादी होती है। इसमें वो आज़ादी मुझे मेरे पास थी नहीं। जैसे अगर आपने थ्री इडियट्स जो बनी है वो भी किसी बुक, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। इसमें जो राइटर है संजय बारू जी, उनकी स्ट्रिक्ट कंडीशन थी कि आप ये बुक को अच्छे से फॉलो कीजिए और कंटेंट एज इट इज़ रखिए। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। इट इज़ 100% फॉलोड बाय द बुक, और बहुत परेशानी हुई इसका स्क्रीन प्ले बनाने में। अच्छा, आप मिले हैं संजय बारू जी से? नहीं, आज तक नहीं मिला हूँ। बिल्कुल नहीं मिले? नहीं, तो अभी आपने कैसे उनका कैरेक्टर को जिया? क्योंकि मेरे डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक ही कैरेक्टर है पूरी पिक्चर में, जिसके साथ मैं थोड़ा क्रिएटिव तरीके से जो मैं चाहे उसको वो कर सकते जो हैं। चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतना फेमस नहीं है जितना मनमोहन सिंह जी है या बाकी जितने किरदार हैं पिक्चर में, सब रियल किरदार हैं। तो इनके साथ मतलब खेला और आपके क्रिएटिवली कैरेक्टर ने जैसे बोला आपने योर पे, वैसे ही किया, वैसे ही किया। अभी हम पढ़ भी रहे थे इस बारे में। हैव यू रेड द बुक? ऑफ कोर्स आई हैव रेड द बुक। आपका बुक पढ़ने के बाद और फिल्म में रोल अदा करने के बाद क्या आपका ओपिनियन चेंज हुआ है मनमोहन सिंह जी के बारे में? क्या है आपका ओपिनियन उनके बारे में? नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत 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 ही बड़े आदमी हैं। वो हमारे देश के पीएम बने हैं, लेकिन अगर पीएम ना भी बनते तब भी डॉक्टर साहब तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। पूरी दुनिया उनकी इकोनॉमिक्स, उनकी पॉलिसीज स्टडी करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो पर डेफिनेटली ये फिल्म करने के बाद थोड़ा बहुत एक कुछ सीखने को मिलता है, पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्या चीज़ है, बिल्कुल। तो वो सब करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, अब फिल्म रिलीज होने वाली है और आपको पता है कि ट्रेलर रिलीज से बाद से काफ़ी कंट्रोवर्सी आ रही है। यूट्यूब चैनल से भी हमने देखा, सर्च करते हो तो 50वें नंबर से नीचे आ गया, लेकिन तब भी ट्रेलर को 52 मिलियन व्यूज अब तक आ चुके हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज हो रही है काफ़ी, पॉलिटिकल, एवरीथिंग। व्हाट आर योर थॉट्स इन इट? माई थॉट्स इज, आई कीप करेक्टिंग पीपल कि इसको कॉन्ट्रोवर्सी मत बोलो, इनको इसको डिबेट बोलो, विवाद बोलो, क्योंकि वही तो हो रहा है। सब अपनी राय सामने रख रहे हैं, सब अपने कमेंट्स डाल रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है, ऐसी पिक्चरें नहीं आनी चाहिए। इसको बोल रहा है नहीं, मेरे को बहुत उम्मीद है इस पिक्चर से, मैं वेट कर रहा हूँ पिक्चर के लिए। तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आएंगे, वो तो एकदम स्वाभाविक है। और 11 तारीख को देखेंगे, समाज तय करेगी ऐसी फिल्में बननी चाहिए कि नहीं। सवाल मेरा ये भी रहता है कि हम आप टीवी चैनल्स देखते हैं, रात को रोज डिबेट्स होते हैं, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगातार चलते रहते हैं। इससे पहले भी कई किताबें आई है, कंट्रोवर्सी रहती है, लेकिन जब वो फिल्म बनती है उस पर व्हाई अ कंट्रोवर्सी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कब से मैं चिल्ला रहा हूँ कि जर्नलिस्ट का पूरी आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, आप टीवी पे जाके कुछ भी बोल देखो, सकते बस हैं, मूवी बनाने के बाद ये अलग हो जाता है सिनारियो बोला। आपको किताब लिखनी है आपको पूरी आज़ादी है, आपको अखबार में कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, आपको मैगजीन कवर बनाना है आप बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब फिल्म की बात आती है तब कुछ थोड़ा रेजिस्टेंस हमको मिलता है। विजय, मैं कहीं पढ़ रही थी, अनुपम खेर साहब ने बोला कि फिल्म रिलीज होने के बाद, फिल्म देखने के बाद खुद मनमोहन सिंह उन्हें पर्सनली थैंक्स करेंगे। क्या लगता है आपको? अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। उनका जो भी रिएक्शन होगा वो उनका होगा। जी देखिए, मुझे यही उम्मीद है कि अगर वो पिक्चर देखेंगे, उन्हें पिक्चर अच्छी लगेगी, उनकी फैमिली को पिक्चर अच्छी लगेगी, एंड बड़े प्यार से पिक्चर बनाई है। आई होप कि जो सर कह रहे हैं, खेर सर कह रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है वो, उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है। शायद लोगों को बहुत प्यार होगा इस कैरेक्टर से। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो कि मनमोहन सिंह जी ये पिक्चर देखे और उन्हें हम मिल सके, या वो हमें बता सके कि उन्हें कैसी लगी। फिलहाल तो हम वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे कुछ भी इस बात पे। जी हाँ, आई थिंक उनका एक वीडियो आया था, बट आई थिंक वो वीडियो में उन्होंने स्माइल की थी, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। विजय, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म के बाद मनमोहन सिंह एक सुपर हीरो के तौर पर आएंगे या कुछ और? ये देखिए, ये
मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों को उनसे बहुत प्यार हो जाएगा, एज अ पर्सन उनसे बहुत प्यार हो जाएगा। रेस्ट आई एज अ प्राइम रियली मिनिस्टर बहुत प्यार होएगा, एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत प्यार होएगा, बहुत 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 ज्यादा प्यार हो जाएगा। कट्स लगे फिल्म पे कुछ? जी हाँ, इसकी पूरी प्रोसेस काफ़ी ढंग से हमें बहुत ढंग से फॉलो करनी पड़ी है। हमें बुक के एक एक पार्ट के बारे में पूछा गया, कैसे सीन बनाए क्या, हमें मार्क करके देना पड़ा है, कुछ बीप्स दिए हैं, कुछ कट्स भी दिए हैं। सो या एवरीथिंग इज बीन डन एंड फाइनली वी हैव गॉट यू सर्टिफिकेट। अक्षय, एक जो सवाल लगातार उठ रहा है, मुझे पता आप भी लगातार ये सवाल सुन रहे हैं, लेकिन मैं भी जानना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म को बीजेपी एज ए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा यूज कर रही है, क्योंकि ट्विटर पे भी लगातार जब रिलीज हुआ उन्होंने ट्रेलर अपने ट्वीट करा और काफी तारीफें करी, और लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जो है अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रही है। नहीं, एक बात तो ये है कि लोगों को पूरी आज़ादी है उनको कमेंट करना, ये करना, वो करना, लेकिन हर कमेंट के ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, एक तो ये। दूसरा, जहाँ तक राजनीति की बात आती है तो वो ही उनका काम है, वो राजनीति करते हैं, और हमारा काम था एक अच्छी पिक्चर बनाने का, वो हमने किया है। अब ये लोग राजनीति में हैं, राजनीति करेंगे, वही उनका काम है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? एनी एनी पॉलिटिकल एम्बिशन? वैसे बिल्कुल नहीं, एम्बिशन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा जो पॉलिटिकल थॉट्स है मेरे वो लिए देश पहले आदेश, मेरे लिए देश ये भी लाइफ में लाइन है डायलॉग। मतलब यू डायरेक्टर नोज यू इन एंड आउट वेरी वेल। नहीं, ये उनकी पिक्चर का डायलॉग है ये, जी हाँ। और प्रोमो में भी है, और नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस पिक्चर का। विजय, एक बड़ा अहम सवाल, व्हाई अनुपम खेर ओनली फॉर दिस रोल? मैम, आप दूसरी चॉइस दीजिए, मुझे उनसे बेटर चॉइस दीजिए, जिन्होंने 500 पिक्चरें की हो, एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। नहीं, 34 साल में उन्होंने जो किरदार निभाए हैं, चाहे वो सारांश हो, चाहे वो कर्मा हो, चाहे वो छोटे छोटे कैरेक्टर जो DDLJ जैसे कैरेक्टर, वो छा जाते हैं उनके कैरेक्टर्स में। सो नो अदर नो इट्स इट वॉज अ नो ब्रेनर, उन्होंने हाँ बोल दिया, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। If not अनुपम खेर तो नोबडी। ऐसा कोई एक्टर नहीं है दुनिया में जो इससे बेटर मनमोहन सिंह जी नहीं का कर सकते थे। नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता था। खेर सर हैज पुल्ड ऑफ अ मिरेकल। उस कैरेक्टर को प्ले करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक्सप्रेशनलेस कैरेक्टर थे, बहुत कम ये थे उनके, बहुत कम एक्सप्रेशंस थे उनके। सो उसमें जान डालना, उसमें एक एक जिंदा दिली लेके आना, बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने अचीव की। एंटरटेन पीपल विद दैट कैरेक्टर। मनमोहन सिंह जी इज नॉट अ ही इज अ वेरी क्वाइट पर्सन, ही इज अ वेरी ही इज नॉट अ वेरी वोकल पर्सन, ही इज नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन। सो टू टेक दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर एंड देन मेक इट लवेबल, मेक इट एंटरटेनिंग ऑन स्क्रीन, इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। आर यू नर्वस अबाउट द फिल्म? Or anything in your mind, anything in your heart? I'm very proud of the film. I'm not nervous of the film at all. I'm very proud of it. Oscar mein jaani chahiye the accidental prime minister? Wo hamara kaam nahi hai. Haan madam, wo release hogi, sab log dekhenge, sab logo ko agar achhi lagegi, wo ek puri I think process follow ki jati hai. Filhal to hum sirf ek cheez soch rahe hain ki kab 11 January aayegi, kab hamari movie logo ke samne aayegi, kab wo use pasand karenge. सो हम तो अभी सिर्फ 11 जनवरी का वेट कर रहे हैं, आगे सब फ्यूचर में। विजय, एक सवाल मेरा और है कि अनुपम खेर साहब को उसी गेटअप में लाना, उनके डायलॉग्स लिखना, और किस तरह से वो उनका मनमोहन सिंह की तरह बोलने की कोशिश कर रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिनेरियो कैसा रहा? क्या आपने कुछ सोचा था इसके लिए पर्टिकुलरली? जी नहीं, ये एक्चुअली उन्होंने खुद ही प्रिपेयर किया है। वो काफ़ी प्रिपेयर्ड आए थे, क्योंकि वो अमेरिका में थे जब ये सारी चीज़ें, हम लोग इधर स्क्रिप्ट लिख रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। सो मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात बात काफ़ी होती थी, बट मैं एज सच उनको मिल नहीं पाया था ज़्यादा, एंड वी डायरेक्टली मेट इन लंडन व्हेन ही केम फॉर द शूट, एंड ही वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी। इनफैक्ट वो दोपहर में जब हम लोग खाना वाना खा लेते थे, तो आधा घंटा जाके वो मेडिटेट करते थे। ये भी उनकी छुपी हुई बात मुझे धीरे धीरे पता चली। अब आप एक डायरेक्टर हैं, आपको मुझे दोनों के बारे में एक एक अच्छी बात बतानी है, अक्षय खन्ना के बारे में और अनुपम खेर के बारे में। अक्षय खन्ना के बारे में, उनकी स्माइल मुझे बहुत प्यार है, उनकी स्माइल से जो आपको पिक्चर में बहुत दिखेगी। एंड खेर सर के बारे में, उनकी एक जिंदा दिली है,
वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, शायद वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं होगा जो उनके जितना जिंदा दिल इंसान होगा। मेरी एज उनकी एज में काफ़ी काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन वो मुझसे यंग है, यू नो ही इज़ यंगर देन मी व्हेन इट कम्स टू लिविंग द लाइफ, टीचिंग पीपल हाउ लाइफ इज लिव्ड, एंजॉयिंग लाइफ, एंजॉयिंग लाइफ। एंजॉयिंग लाइफ। इज़ अ रिमार्केबल पर्सन। लास्टली ऑफ कोर्स हमें बात अपना यही खत्म करनी है, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, फिर से मैं वही शब्द यूज करूंगी, चर्चा का विषय बन चुका है, डिबेट हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से फिल्म के बारे में? कि आपने ऐसी पिक्चर आज से पहले नहीं देखी है, और अगर आपको प्रोमो अच्छा लगा तो ज़रूर आइए देखिए, पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर बनी है। ये सेम थिंग, अगर आपको प्रोमो अच्छा लगा है तो आके पिक्चर देखिए, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको प्रोमो से मूवी बेटर लगेगी। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ 11 जनवरी को जाके ये मूवी देखिए। थैंक यू। क्या कोई आखिरी सवाल, कोई कोई खुलासा है क्या इस फिल्म में, क्या कुछ रिवेलेशंस और होने वाले हैं क्या? नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, ये है ही नहीं, ये स्टोरी नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है ना, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में 2014 से है, सारी चीज़ें, कुछ नहीं है इसमें अलग। मैं यही कह रहा हूँ, अगर कोई ये सोच के आएगा कोई धमाका होने वाला है तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी लेकिन धमाका नहीं होगा। लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, नरेंद्र मोदी का भी रोल है क्या फिल्म में? देखिए पिक्चर में 126 कैरेक्टर्स है और बहुत सरप्राइजेस है, अभी मैं इसके आगे और ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, 5 दिन बाकी है, 6ठे दिन आप लोग मूवी देख सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा आप लोग बिल्कुल, को। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उम्मीद करते हैं फिल्म धमाल कर। तो बिल्कुल 11 जनवरी को ना भूले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखने। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय कुमार के साथ प्रतीक्षा कुकरेती, लोकपति स्टार्टेड।